यहाँ राशन लेने के लिए आए, तब तक मैं अपने पापा को घूम के आती हूँ। आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जाए, इधर संभालो मेरे उधर से नागर उधर देख उधर देख, ये पतली गली में कौन सा हीरा चमक रहा है रे? ये कौन है? ये तो बिजुआ की बहन रमा है। रमा बिजू किसान की बहन, ये रमा है। हाँ पोतेदार जी, ये वही बिजू है ना जिसने हमें खुला चैलेंज दिया था कि इंडियम जादेद करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। वही बिजुआ की बहन रमा है। लेकिन नहीं, तू आज हमारे साथ चल, अगर इस पतली गली में रमा की खुली बैठक न लगाया तो राम सिंह नाई हो नहीं। बात क्या है मुझसे आदा है तो है क्या? आप कैसे बातें करते कोटे दादी? हमको अच्छी लगी है। अरे क्या की बातें मुझसे न करनी चाहिए, पाप की ये राह है दूर रहना चाहिए, खप भगवान का दी मैं अब खाइए। खप
हमारे कहने का मतलब तो समझ गई होंगी जी? नहीं, मतलब कि भाई बच्ची तो हो नहीं जी? नहीं, अभी कच्ची तो हो नहीं। क्या बोला, क्या बोला? हम कहें अभी कच्ची तो हो। अरे मैं बच्ची बोल रहा हूँ, तू कच्ची बोल रहा है, पगला कहीं का। साइड में लग, साइड में लग। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं जी? नहीं। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। क्यों नहीं? हम ठहरे एक गांव और समाज के कोटेदार। हमारे कहने का मतलब ये है, क्या है? कि एक बार लव कर लो, गोदाम सब तुम्हारे नाम। क्या लगता कोटेदार जी आपका दिमाग नहीं ठीक है? अगर ये बात कहीं हमारे भैया को मालूम हो गई ना, तो तुम्हारा कोटा एक मिनट में सस्पेंड करवा देंगे। किसी के धमकी में राम सिंह कोटेदार कभी नहीं आता है। मान जाओ ना, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। मान जाओ, तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तेरे हुस्न को गोदाम बना डालूंगा, और गिरा के बंबू में मैदान बना डालूंगा। मतलब क्या होगा? थोड़ा चा मेरा कर लो। अरे क्या बस इतना सा? ए एहतान छम्मा हो गई। तुम्हारे भैया ने हमें चैलेंज दिया था कि तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। आज इस पतली गली में